हेलो फ्रेंड, रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा में देखने को मिलेगा कि काव्या शाह हाउस छोड़कर चली जाएगी। स्टार प्लस के लोकप्रिय धारावाहिक अनुपमा के आने वाले एपिसोड में दर्शकों के लिए दिलचस्प ड्रामा दिखाया जाएगा। ऐसा लगता है कि अनुपमा अपनी नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। काव्या वनराज को छोड़ देती है, अनुपमा को इस बार से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनुपमा सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देना चाहती है। अनुपमा किसी और के लिए पिघलती नहीं है। जब अनुपमा को गुरुकुल में अपने प्रवेश के बारे में पता चलता है तो वह भैरवी के साथ तुरंत जाने की शुरुआत करती है। मालती देवी अनुपमा को डांस सिखाती हैं। अनुपमा और मालती देवी आमने सामने आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या अनुपमा इस नए गुरुकुल में भव्य तरीके से आगे बढ़ पाएगी या फिर कोई और उसे पीछे खींच लेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। स्टार प्लस का शो अनुपमा वर्तमान में अनुपमा के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो नृत्य की दुनिया में कुछ बड़ा करने का सपना देख रही है। ऐसा लगता है कि अनुज के ये स्पष्ट करने के बाद कि वह अब अनुपमा के पास वापस आने में दिलचस्पी नहीं रखता है, अनुपमा के जीवन में चीजें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। अनुपमा अनुज को प्यार करना बंद नहीं कर पाएगी, लेकिन वह अपने दिल पर ताला लगा देगी और किसी को भी अपने जीवन में एक बार फिर से प्रवेश नहीं करने देगी। वह अपना मन बना लेती नजर आएगी कि अब वह अपने लिए जीने वाली है और किसी के लिए नहीं। जल्द ही मालती देवी का बेटा नकुल अनुपमा को गुरुकुल में पहली बार देखेगा और उसकी सादगी को पसंद करने लगेगा। वह तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, ये जाने बिना कि उसके जीवन में क्या बोझ है। अनुपमा भी उसे एक अच्छा दोस्त के रूप में देखती है और खूबसूरती से उससे जुड़ती है। स्टार प्लस का शो अनुपमा वर्तमान में काव्या के जीवन से चले जाने के बाद वनराज को दिल का दौरा पड़ने के इर्द गिर्द घूम रहा है। ऐसा लगता है कि वनराज इस विचार को सहन नहीं कर पाएगा कि काव्या ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह हमेशा काव्या को हल्के में लेता था। उसे दिल का दौरा पड़ेगा और पूरे परिवार को सदमे की स्थिति में छोड़ देगा। बा अनुपमा को फोन करेंगी क्योंकि वह चाहती हैं कि वह आए और वनराज को ठीक होने में मदद करे। अनुपमा दो बार नहीं सोचेगी, लेकिन अस्पताल आ जाएगी क्योंकि वह जानती है उसके परिवार को उसकी ज़रूरत है। वनराज को होश आ जाएगा और वह सबसे पहले अनुपमा के बारे में सोचेगा। इससे बापूजी को बेचैनी महसूस होगी क्योंकि वह नहीं चाहते कि वनराज अनुपमा के करीब आए और उनसे किसी तरह की उम्मीद रखे। स्टार प्लस का शो अनुपमा वर्तमान में काव्या के इर्द गिर्द घूम रहा है और वनराज के साथ सभी संबंध तोड़ रहा है। ऐसा लगता है कि काव्या उस आघात से उभर नहीं पा रही है जो उसने वनराज से शादी करने के बाद झेला था। वह शाह हाउस छोड़ने का फैसला करेगी क्योंकि वह वनराज के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। वनराज काव्या को निशाना बनाते हुए और उसके बारे में गलत बातें करते हुए दिखाई देंगे। वनराज काव्या के चरित्र पर उंगली उठाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि काव्या अनिरुद्ध के पास वापस जा रही है, क्योंकि अब वह आर्थिक रूप से बहुत अच्छे स्थिति में है। काव्या वनराज से नाराज हो जाएगी और उसे श्राप देगी कि जैसे उसे एक एक करके घर पर छोड़ना पड़ा, वैसे ही शाह हाउस में हर कोई उसे छोड़कर चला जाएगा। तो वही फ्रेंड्स, सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा दिखाया जाएगा। ऐसा लगता है कि अनुपमा अस्पताल में शाह हाउस परिवार से मिलने आती है, जहां वनराज अभी सुरक्षित है। पाकी अनुपमा से बात करती है और अनुपमा को अधिक दर्द देने के लिए अपने अपराध को बताती है। पाकी अनुपमा के जीवन से सभी गड़बड़ियों के लिए खुद को दोषी मानती है। शो के आगे ये देखा गया है कि अनुपमा ने पाखी की मदद की, जहां उसने अनुज और अनुपमा को मिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पाखी बहुत दोषी है और जहां अनुपमा अतीत को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। तो फ्रेंड, टीवी सीरियल के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।